Hello, welcome to Math by Rishi. We are doing the doubts from indefinite decretion, right? So these are some questions that you have given, and I can see that most of them are based on substitution. So the most important thing when you deal with such questions is what has to be substituted. If you understand it, things would be fine, right? In the previous class, I must have told you this form, f dash x and fx raised to the power n. If you ever get such thing, you just need to find out that fx, right? जिसको कि differentiate करने पे f dash x मिलता है, या तो ऊपर नीचे कहीं भी। तो यहाँ पे मैं जब इस expression को देखता हूँ, तो मुझे ये fx दिखता है, right? क्या मुझे fx दिख रहा है? log of x, right? If I take this value as t, straight away answer दिखने लग गया, खैर अब तो, है ना? बताइए आपके लिए स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। log of x को अगर आपने t लिया है तो बताओ dt by dx क्या हो जाएगा? आपके पास यहाँ चेन रूल लगेगा ना, पहले तो 1 by log x आएगा और उसके बाद log x का 1 by x हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। अब सोचने की जरूरत ये है आपके पास कि dt can be you know put by dx upon x log x। ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, इसकी जगह पे तुम स्ट्रेट अवे क्या रखोगे? dt रखोगे। तो ये जो एक्सप्रेशन आई है ये बहुत आसान हो गया। दिस इज डी टी ओवर व्हाट? दिस एंटायर थिंग इज गॉन, ये क्या रह गया? सिर्फ टी रह गया। सो डी टी बाई टी क्या होता है? दिस इज लॉग ऑफ टी, दैट्स ऑल, लॉग ऑफ मॉडुलस टी। व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर? टी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी हमारे पास कितना था भाई? टी हमारे पास लॉग ऑफ एक्स था, ठीक है? आप इसको एल एन भी लिख सकते हो, लॉग भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। फिलहाल एम सी क्यू में तो खैर कुछ ऐसा है नहीं, कोई टेंशन। तो ln of ln x, ठीक है, that should be the final answer of this question. Tell me if it is fine. So question number 47 में हमारे पास जो expression है, this is 1 plus tan x and tan x plus theta dx. इस question में in order to convert it into an integrable format, tan x के साथ तो कोई ऑपरेशन ऐसा सच समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर साइन को tan को sin x upon cos x के फॉर्म में लिखूं तो कुछ थोड़ी बहुत एक हिंट तो मिलता है। चलो लेट्स मेक अ स्टार्ट। तो ये 1 की जगह पे 1 है, कोई टेंशन नहीं है। tan x को मैंने लिखा sin x upon cos x, और tan x plus theta को मैंने क्या लिखा? sin x plus theta upon cos x plus theta, ठीक है? उसके बाद फिर आपने बड़े आसानी से इसका एलसीएम लिया और देखा क्या आ रहा है। तो इधर आपके पास कौन सा फॉर्म दिख रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, व्हाट इज दैट? कॉस ए माइनस बी, ठीक है? तो ऊपर देखो, तुम्हारे पास कॉस ए माइनस बी जब करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? सिर्फ कॉस थीटा बचेगा इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा, ठीक है? So this certainly is slightly better than the previous one, but still not very clear. है ना, अभी भी कुछ ऐसी बहुत अच्छी clarity तो यहाँ पे नहीं महसूस होती है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स होके सोचना है थोड़ा सा और कि कैसे हम और क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। तो मुझे दिखता है कि ये जो थीटा है ना, देखो सोचने का इंडेफिनिट डिक्लेरेशन में यू हैव इनफिनाइट अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड कम अप विद न्यू इनोवेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग। तो डिपेंड्स how much have you practiced and how much is your mind you know is working at that particular moment. So yahan pe theta gives me a reason ki main yahan pe kyun na ek plus x kar dun aur kyun na ek minus x kar dun, theek hai? theta ke sath kyun na main ek plus x kar dun aur kyun na ek minus x kar dun, theek hai? ab isko main cos a माइनस बी की तरीके से ओपन करूंगा, लेकिन बात नहीं बनेगी, हम घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए हैं, है ना? अगर साइन का होता तो बड़ा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको फिर चेंज करने की बात नहीं सोचते हैं, है ना? बिकॉज फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे हम थे। कोई बात नहीं, थोड़ा और सोचते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये लगती है कि अगर मैं इसको ओपन कर दूँ, ये जो cos x है सेकेंड वाला, तो देखते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है? यहाँ मेरे पास cos theta है, उससे कोई टेंशन नहीं, because that is a constant. This cos x is already in its most simplified form, so I am not going to do anything. यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो ये मुझे दिखता है cos x into cos theta minus sin x into sin theta.
अब यहाँ फिर से थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, राइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉसेक से डिवाइड करना चाहूंगा। जब मैं न्यूमरेटर को कॉसेक से डिवाइड करूंगा, राइट, न्यूमरेटर को जब मैं कॉसेक से डिवाइड करूंगा, तो समझने की बात है, एक कॉसेक मेरे पास पहले से डिविजन में था, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब आप डिनोमिनेटर को कॉसेक से डिवाइड करना शुरू करोगे, तो दिस वुड गिव यू अ कॉस थीटा, राइट। और इसको जब कॉसेक से किया, तो ये क्या देगा आपको, टेन एक्स इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, एज दैट इज अ कॉन्स्टेंट, एंड आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू दी फिनिशिंग टच ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मुझे ना एफ डैश एक्स ऊपर दिखना शुरू हो गया, राइट। कॉस थीटा बीइंग अ कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, बाहर निकालो इसको। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख लो सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। डीएक्स तुम्हारे पास इंटैक्ट है। नीचे अब जो चीज बच रही है, इसमें तुम्हें कोई टेंशन है ही नहीं, राइट। कॉस थीटा माइनस टेन एक्स इंटू साइन थीटा, राइट। सो द मोमेंट यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, आई थिंक योर कॉन्फिडेंस शुड गो वन स्टेप अप। वाई सो? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को जैसे ही टी लूंगा, मेरे पास एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स अवेलेबल है, ठीक है। देखो इसके, लेट से मैं इसको नाम आई देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कॉस थीटा माइनस टेन एक्स इंटू साइन थीटा को अगर टी ले लूंगा, तो बताओ डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा। डी टी बाई डी एक्स कॉस थीटा तो गया, कॉन्स्टेंट तो वो तो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा टेन एक्स, तो माइनस टेन एक्स का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन थीटा तो सेक्स स्क्वायर एक्स होगा, है? थीटा नहीं, सेक्स स्क्वायर एक्स होगा। और साइन थीटा तो कॉन्स्टेंट है, तो डैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, डैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हमारे पास ये सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया, और साइन थीटा अपनी जगह पे एज इट इज रखा हुआ है। अब मैं सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को किससे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, डी टी से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। देखो तो यहाँ मेरे पास राइट हैंड साइड पे सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे मैं क्या रखना चाहूंगा, माइनस डी टी ओवर साइन थीटा, ठीक है। आई एम गोइंग टू पुट दिस हेयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ आई, एंड होपफुली थिंग्स वुड बी सॉर्टेड आउट। आइए करते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा है और ये साइन थीटा से डिवाइड होगा, तो मैं इसको सीधा कॉट थीटा लिख रहा हूँ बाहर, ठीक है। कॉट थीटा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे माइनस डी टी आया, ठीक है, माइनस डी टी आया। और नीचे वाला एक्सप्रेशन मेरे पास कितना है, ये पूरी चीज टी है, ठीक है। लेट नॉट फॉरगेट, अभी माइनस साइन मैंने यहाँ बाहर रखा है। तो डी टी बाई टी कितना होता है, लॉग टी होता है। आई होप दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे आप, माइनस कॉट थीटा इंटू लॉग ऑफ द इंटायर एक्सप्रेशन, व्हाट इज डी, टी इज योर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, विच इज कॉस थीटा माइनस टेन एक्स इंटू साइन थीटा, ठीक है। साथ में प्लस सी करना, कभी मत भूलना। हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास बना था, ये बना इसी से था, है ना। तो आप चाहो तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस को फाइनली फिर उसी एक्सप्रेशन में लिखते हैं जिस फॉर्म में ये दिया होता है, ठीक है। ये गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट इट एज द फाइनल आंसर, राइट। कॉस थीटा माइनस टेन एक्स साइन थीटा इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। बट इफ यू वॉन्ट, अगर सब्जेक्टिव है तो तुम इसको फिर वापस से, अगर सब्जेक्टिव है और इसकी वेटेज ज्यादा है, राइट, 5 मार्क्स कैटेगरी में दिया गया है, 4 मार्क्स कैटेगरी में दिया गया है, तो हम वो एफर्ट भी लगाएंगे। बट मतलब सीधी सी बात है, जितने मार्क्स उसने एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन डू इट। टेल मी इफ इट इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, राइट। इफ यू जस्ट रिमेंबर दोज ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, थिंग्स सीम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू यू। बट इफ यू डोंट रिमेंबर देम, थिंग्स कैन टेक अ बैड शेप, राइट। जैसे मैं डिनोमिनेटर को देख के मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे डिनोमिनेटर को देख के ये आता है कि साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी, राइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। एज पर द यूसेज आप इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। कुछ भी सही है, राइट। ये सब बेसिक चीजें ट्रिगोनोमेट्री में आपने कर रखी हैं। नहीं याद है तो याद रखो, जरूरी है, राइट, बेसिक चीजें हैं। अगर पता है तो फटफट क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे ही तुमने ऐसा सोचा, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो गया, राइट। देखो ऊपर तुम्हारे पास साइन टू एक्स है,
नीचे आपने अप्लाई करा इस थ्योरम, इस आइडेंटिटी को, तो आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर फाइव बाई सिक्स। फाइव बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, मतलब हाफ। हाफ का स्क्वायर करो तो 1/4, करेक्ट, 1/4। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, ये तो फैंटास्टिक हो गया। अब क्या करें, कुछ मत करो यार, इसको टी लो, काम खत्म हो चुका है। टेक इट एज टी एंड द वर्क इज फिनिश्ड, राइट। आपने साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 को टी लेना है, तुम्हें पहचानना है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स एफ एक्स की पावर एन, कुछ भी ऐसे कुछ बन रहा है, पहचानो। कैसे पहचानोगे, प्रैक्टिस करके पहचानोगे, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस विल सर्टेनली डोंट लीड यू टू द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू बी, ठीक है। सो दिस वुड बी वॉट डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या लगाओगे, चेन रूल लगाओगे, तो तुम्हारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स, ये है क्या, साइन टू एक्स है, काम खत्म नहीं हो गया, राइट। दिस साइन टू एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिप्लेस बाई वॉट डी टी, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस इम्प्लाइज साइन, ओके, इन केस यू आर डूइंग इट इन अ सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आई था, अब ये बड़ा इजी हो गया, इट्स वेरी इजी नाउ। आई कितना आ गया बताइए, इसके जगह पे आपने ऊपर डी टी रख दिया और नीचे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये टी है, तो ये क्या है, ये तो तुम्हें पता ही है। व्हाट इज दिस, दिस इज लॉग ऑफ टी, एंड टी अपना क्या था, टी अपने पास ये था साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4। आपका अगेन दिल करे तो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की सोच सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ओके, बिकॉज ये एक्सप्रेशन है क्या, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यही है, यही है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 कहाँ से निकल के आया था, यहीं से निकल के आया था, ठीक है। तुम्हारा दिल करे तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स, ठीक है, एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स एंड साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स। सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चिल्ड्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर एफर्ट्स नहीं लगाए तो इसके आगे हर टॉपिक में आपको परेशानी होगी, राइट। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, राइट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि एरिया अंडर बाउंडेड रीजन में परेशानी आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में परेशानी आएगी। सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तुम्हारा ये जो थॉट प्रोसेस है कैसे इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, जो एफर्ट्स हैं ये सारी चीजें यहीं डेवलप होंगी, राइट। अगर तुमने यहाँ एफर्ट लगा दिया तो ये सब इसके आगे का जितना भी है ये सब तुम्हारे लिए इजी होगा, ध्यान रखना, मॉडरेट नहीं होगा, इजी होगा, ठीक है। बट यहाँ एफर्ट्स प्रॉपरली तुम्हें लगाने पड़ेंगे, यू कैन नॉट स्किप इट, डोंट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग इट, बिकॉज इसको स्किप किया मतलब आगे के सारे तीन चार चैप्टर तुमने स्किप कर दिए, इसको छोड़ के आगे वाले टच नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन छू नहीं पाओगे, एरिया अंडर बाउंडेड रीजन डेफिनेट कुछ नहीं छू पाओगे, इनडेफिनेट के बिना कुछ नहीं होना है। सो मेक श्योर यू आर पुटिंग द राइट एफर्ट्स नाउ। और बताइए नेक्स्ट डाउट।